सर हेलो सुमन सर 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 ऋषभ भाई लव यू हैंड हैंड सर शर्मा रोहित वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ बेंगलोर में। बेंगलोर में कहते हैं कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम, आप कैसे आ सकते हैं और किस तरीके से आप यहाँ पे मैच देख सकते हैं और जो ऑफलाइन ऑनलाइन बुकिंग है वो कैसे आप ले सकते हैं, काउंटर कहाँ पे बनता है और साथ साथ में किस तरीके से जाएंगे, ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं अभी चिन्ना स्वामी स्टेडियम के पास है सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा और कैसे आप आएंगे और कौन सी गेटे से कौन से प्लेयर्स जाते हैं वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट और ब्यूटीफुल स्टेडियम में से इंडिया का एक माना जाता है, जो कि बेंगलोर में मौजूद है। आईपीएल हो, टेस्ट मैच हो, ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं और अभी जो है यहाँ पे टेस्ट मैच भी होने वाला है, यानी कि 16 से 20 तारीख तक आप यहाँ पे टेस्ट मैच का उसका आप देख सकते हैं, जो कि 2000 का पूरा सीजन का आपको टिकट अभी मिल रहा है। 2000 लोवेस्ट प्राइस है, यानी कि 1250 भी था बट वो तुरंत फुल हो गया, तो अभी 2000 वाला खाली है, उसको आप ले सकते हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये मेन चौराहा है जहाँ से आप आएंगे, यानी कि कब्बन के पार्क के पास ये पड़ता है। कब्बन पार्क इसके जस्ट अपोजिट में सामने में है और वहीं पे चिन्ना स्वामी स्टेडियम है। अभी चलते हैं और पूरा स्टेडियम का टूर करवाते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं। अब मैन एंट्रेंस गेट के पास है, यानी कि जहाँ से प्लेयर्स घुसते हैं, यही वो जगह है जहाँ से प्लेयर्स घुसते हैं, यानी कि यहाँ से जो है जब आप जाएंगे तो अंदर जो है इसी की जगह से प्लेयर्स जो है वो एंट्री लेते हैं। लेकिन सामने के लोकेशन में फिलहाल जो अभी जो है देख सकते हैं ये सारे लोग वेट कर रहे हैं, ये जैसे ही गेट खुलेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी फिलहाल जो है प्रैक्टिस चल रहा है अंदर, तो अभी आप नहीं देख सकते, लेकिन आप देखो यही वो मेन एंट्रेंस गेट होता है जहाँ पे जो ऑफिशियल्स होते हैं, यानी कि जो मैच ऑफिशियल प्लेयर हैं वही यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। तो जितने भी हैं वो इधर से एंट्री लेते हैं, ये बैक साइड कहलाता है जहाँ से ये सामने का लोकेशन में दरवाज़ा है जहाँ से वो घुसते हैं प्लेयर्स और फिर अंदर जाके जो प्रैक्टिस वगैरह या मैच जो है स्टार्टिंग होता है। तो अभी प्रैक्टिस चल रहा है, यानी कि 16 का जो इवेंट है, 16 का जो टेस्ट मैच स्टार्ट है उसका प्रैक्टिस चल रहा है। अभी रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सारे लोग जो टीम के मेंबर्स हैं वो भी अंदर ही है, तो इसी के अंदर है। वो सामने जो बस लगी हुई है ना, ये बस से आए हैं वो, SRS ट्रेवल जो लगी हुई है उसी बस से अभी वो दोनों टीम, न्यूजीलैंड और इंडिया की टीम, इसी से अभी जाएंगे। तो शाम को जाते हैं, फिलहाल तो अभी नहीं जाएंगे, तो शाम तक यहाँ पर वेट कर सकते हैं। अभी काफ़ी लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं प्लेयर्स का ही, ये सारे लोग जैसे ही आता है उसके बाद फिर ये लोग यहाँ से जाएंगे, तो वैसे ही हम भी वेट कर रहे हैं। फिलहाल आप देखें तो ये सामने का लोकेशन में कब्बन पार्क मिल जाता है, वो कब्बन पार्क के जस्ट सामने है, यानी कि मेट्रो स्टेशन जो आप उतरिएगा सबसे नियरेस्ट वो कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन उतरना, और अगर आप मैप में डालते हैं वो ओला उबर रेपिडो से आते हैं तो आपको डायरेक्ट चिन्ना स्वामी स्टेडियम चिन्ना स्वामी स्टेडियम डालिएगा तो आप यहाँ पर आपको छोड़ दिया जाएगा। गेट नंबर 12 के पास मेन गेट होता है, 12 और 13 जो है यही मेन गेट होता है जहाँ से बसें वगैरह जो है या प्लेयर जो है वो एंट्री लेते हैं। तो बस और बसें वगैरह और 12-13 में आपको आना पड़ेगा इसी वाले गेट में, तो कुछ इस तरीके से है, जब आप आएंगे तो दिखेगा। अभी हम आपको मेट्रो के पास भी ले चलेंगे। कोई ना कोई है, क्लियर ही है, क्लियर ही है। वाह कौन है यार, पता नहीं। शुभंगल, शुभंगल, हेलो दोस्तों शुभनम गिल अभी जा रहे हैं, ये भी प्रैक्टिस करके ही जा रहे हैं। अभी पूरी तरीके से यहाँ पे फंसे हुए हैं, बट देखो आप कितना नजदीक से। ये देखो भैया, ये देखो अभी आगे, ये देखो ये आपका, हेलो जडेजा सर, जडेजा 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 सर, जडेजा सर,
हेलो सर। राहुल जा रहा है, राहुल जो है केएल राहुल वो निकलने वाले हैं। तो देखिए पुलिस जो है पूरी तरीके से भगा चुकी है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है अभी, ट्रैफिक वाले को भी रोक दिया गया। न्यूजीलैंड की टीम भी जो है पीछे बस में आने वाली है, तो पूरी तरीके से रोक दिया है। फिलहाल आगे जा पूरा रोड ही खाली कर दिया केएल राहुल गया। अब न्यूजीलैंड की टीम अभी निकल रही है, ये रहा न्यूजीलैंड की टीम। ओ माय गॉड, इंडिया की टीम है, इंडिया क्या है। ओ सर राहुल भाई, राहुल राहुल केएल राहुल भी इसी में था, केएल राहुल भी इसी में था यार। ये दूसरा बस, इसमें कौन है, इसमें कोई नहीं है, वही था आगे वाला बस, पूरा खाली कर दिया भैया रोड को, उसमें सब था भैया, सब चले गए यार, सारे लोग चले गए उसे बस में, सब लोग थे। फाइनल जो है हमने बहुत सारे जो खिलाड़ी थे इंडिया के वो सभी रिहर्सल के लिए यहाँ पे आए थे प्रैक्टिस के लिए, और उनसे भी मिलना हो चुका, चूँकि जब वो मेन गेट जिस जगह पे हम आपको दिखा रहे थे वहाँ से बहुत ही सलोले तरीके से कैब से जब निकले तो बहुत सारे फोटो हमने लिए और बहुत सारे वीडियो जो कि आप देखे होंगे। तो बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस पहला विजिट में चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, चूँकि यहाँ पे परसों यानी कि परसों जो है यहाँ पे मैच भी स्टार्टिंग होने वाला है, जो टेस्ट मैच है वो। तो अभी जितने भी जो इंडिया और न्यूजीलैंड के जो टीम है वो आके यहाँ पे प्रैक्टिस जो है वो चालू कर रहे हैं। आज ही उनका फर्स्ट स्टार्टिंग डे था विजिट, जो कि हमने अभी बहुत सारे जैसे शुभम गिल हो गए, जडेजा हो गए, इन सभी को बहुत ही नज़दीक से सेल्फी लेके वीडियो बना के और फिर हम लोग मिले भी। कैसा लगा, तुम भी मिले? अच्छा लगा भाई आपसे मिलके, प्लेयर्स को देख के। हाँ मतलब पहला विजिट था या किस तरीके से? इधर ही रहता हूँ। अच्छा आप तो यहीं से? दो तीन बार आया हूँ इधर, बट प्लेयर से आप पहली बार मिले? हाँ प्लेयर से पहली बार मिले। जितने भी प्लेयर कौन कौन किससे किससे मिले? अभी शुभमन गिल, रोहित शर्मा, मोहम्मद सिराज, बुमराह भी था, जडेजा। बस में गए थे ना केएल राहुल तो सारे आगे बैठे सारे। हाँ बिल्कुल, तो जितने भी प्लेयर थे बहुत सारे प्लेयर जैसे कि पहले जो है ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, बुमराह, कुलदीप और फिर जडेजा, ये सारे जो है कैब में गए। तो जब कैब में गए तो इसी के सामने में रेड लाइट है, यानी कि रेड लाइट के पास गाड़ी को रुकना पड़ता है। तो उस टाइम जो काफ़ी लोग जो हैं वो सेल्फी वगैरह ले लेते, बातें कर लेते या कुछ है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अगर प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप बेंगलोर में हैं तो अभी आप प्रैक्टिस के दौरान यानी कि चार से पाँच के बीच में अगर आप आते हैं तो आप प्लेयर्स हैं उनसे आप मिल सकते हैं जब वो बाहर निकलते हैं। और सुबह के टाइमिंग में कभी भी वो आते हैं तो उस टाइम तो आपका मुश्किल है, 10-11 बजे के लगभग में टाइमिंग, लेकिन शाम का जो होता है 4 से 5 के बजे में जो है बाहर निकलते हैं तो उस टाइम में आप मिल सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं यही है, ये पूरा चिन्ना स्वामी स्टेडियम का जो है गेट है कुछ इस तरीके से, बहुत ही बड़ा गेट है। और इसका सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें तो आपको जो है कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन उतरना पड़ेगा, वहां से आप चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो है एग्जिट लिखा हुआ है उस गेट से आप जैसे एग्जिट होइएगा सामने के लोकेशन में ही आपको गेट मिल जाएगा। एंट्री गेट यही होता है ना? हाँ एंट्री गेट इधर ही है और एक उधर भी है, उधर नहीं छोड़ते, इधर ज्यादा से ज्यादा इधर ही काउंटर रहते हैं ना। हाँ इसमें लोग को अंदर छोड़ते हैं, तो गाड़ी गिड़ी वगैरह पार्किंग के लिए उधर आगे पार्किंग के लिए आगे है। तो ये कुल मिलाकर ये गेट जो है, ये गेट आपको जो दिख रहा है यही चिन्ना स्वामी का जो है आपको सेकंड गेट मिल जाएगा जहाँ से आप एंट्री लेंगे, कुछ इस तरीके से गेट है। देखिए यहाँ पे इंडिया न्यूजीलैंड का लगा हुआ है और यहाँ पे प्रैक्टिस जो है जो बच्चे वगैरह हैं वो भी यहाँ पे नेट वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। कुछ इस तरीके से आपको स्टेडियम पूरा देखने के लिए मिलेगा, जब लोग आते तो यहाँ से भी एंट्री होता है और आगे वाले लोकेशन में भी एंट्री होता है, तो आप आएंगे तो यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है, ये है आपका गेट नंबर 21 है और जो हमने आपको दिखाया था वो था गेट नंबर 12, यानी कि प्लेयर्स वगैरह से आपको मिलना है तो गेट नंबर 12 में आपको जाना पड़ेगा और ये जो है 21 है, तो यहाँ पे भी आकर आ सकते हैं। और इसी के सामने में जस्ट जो है ये मेट्रो स्टेशन है जो आपको जूम करके दिखा देते हैं, ये मेट्रो स्टेशन है, कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन में उतरना और जस्ट यहाँ पे आना है और यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से था ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो हम आपको दे रहे थे। और अभी अगर आप टेस्ट मैच के लिए आ रहे हैं तो टिकट यहाँ पे ऑफलाइन जो है वो नहीं मिल रहा है, आपको ऑनलाइन कराना पड़ेगा, ऑनलाइन के लिए भी 2000
3000 का अभी जो है वो खाली है, जिसमें आप करा सकते हैं। सामने के लोकेशन में यहाँ पे ड्रेस वगैरह मिल जाएगा आपका, इंडिया न्यूजीलैंड जिसका भी लेना है, वाइट लेना है या फिर दूसरे कलर में, वो सारे आपको वैरायटी यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये सामने के लोकेशन में कब्बन पार्क है, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत ही बड़े पार्कों में से एक माना जाता है बेंगलोर का। तो ये बेंगलोर का हम चिन्ना स्वामी स्टेडियम आपको दिखा रहे थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यहाँ का नियरेस्ट आपको कब्बन पार्क उतरना पड़ेगा, कैब वगैरह से आते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। और जो है सबसे अच्छा माध्यम है, अगर आप गाड़ी नहीं ला रहे हैं, कार नहीं ला रहे हैं, तो आप मेट्रो से आएँ, मेट्रो आपको कभी भी मिल जाएगा। व्हाइट फील्ड साइड में पड़ता है कब्बन पार्क, कभी भी आइएगा तो आपको मिल जाएगा। मैजेस्टिक से चेंज करना पड़ेगा, मैजेस्टिक से दो स्टेशन आगे आपको मिलेगा।